वेलकम टू लेक्चर नंबर टू ऑफ द चैप्टर BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन 23 कर रहे थे हम। 23 में हमने वैल्यूज निकाल ली थी, अब हम BRS शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट, दिस इज द फॉर्मेट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज एट 31st March। पर्टिकुलर्स पॉजिटिव नेगेटिव। आपको या तो बैलेंस गिवन होगा कैश बुक का या आपको बैलेंस गिवन होगा पासबुक का। आपको कैश बुक से शुरू होते हुए पासबुक पे जाना है या पासबुक से शुरू होते हुए कैश बुक में जाना है। हमने इस क्वेश्चन में शुरू किया था बैलेंस एज पर कैश बुक। सो बैलेंस एज पर कैश बुक 4950। चेक डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड, इसका मतलब बैंक में पैसे नहीं आए पर कैश बुक में पैसे आ गए। आपने कैश बुक के हिसाब से सोचना है, हमने कैश बुक के हिसाब से लिखा है ना, तो आपने कैश बुक के हिसाब से सोचना है। कैश बुक में पैसे आ गए, पासबुक में पैसे नहीं आए, तो कैश बुक बढ़ गया। आपने मुझे चेक दिया, वो चेक मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, वो चेक मैंने बैंक में जमा करवाया पर बैंक में पैसे नहीं आए, तो ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हुई है? कैश बुक में। कैश बुक में पैसे आए हैं या पैसे गए हैं? पैसे आए हैं। कैश बुक बढ़ गया, कैश बुक बढ़ गया, सीबी बढ़ गया, तो उसको बराबर करने के लिए माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड, माइनस में क्यों गया पता लगा? आपने मुझे चेक दिया, मैंने चेक बैंक में जमा करवाया, बैंक में पैसे नहीं आए, कैश बुक में पैसे आ गए, पासबुक में पैसे नहीं आए, तो कैश बुक बढ़ गया। कैश बुक बढ़ गया तो हम माइनस कर देंगे। मैं यहां पे शो कर देता हूं इसका डिफरेंस क्या हो रहा है। कैश बुक बढ़ गया। सेकेंड, चेक ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स डिपॉजिटेड बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। मैंने सेल किए, चेक आया, चेक बैंक में जमा कराया, बैंक में पैसे नहीं आए। सोचिए पैसे बैंक में आए हैं कि कैश में आए हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है एंट्री कि पासबुक में एंट्री रिकॉर्ड हुई है? एंट्री रिकॉर्ड हुई है कैश बुक में। अब कैश बुक में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं, तो कैश बुक बढ़ गया। When I say कैश बुक बढ़ गया इन कंपेरिजन टू पासबुक, क्योंकि बैंक में तो पैसे आए ही नहीं। बैंक में थे 10 रुपये, कैश में थे 10 रुपये। सोचिए कैश में थे 10 रुपये, बैंक कैश बुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से 10 रुपये। मैंने कैश बुक में 2 रुपये डाल दिए तो वो बन गए 12। तो 12 कैश बुक बढ़ गया 2 रुपये से। ये वो चीज़ है, हमने ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड की, कैश बुक बढ़ गया, तो उसको ठीक करने के लिए माइनस कर दो। नंबर टू, चेक डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स बट अनक्रेडिटेड 4630।
Third, interest on debentures recorded in cash book only. हमने कैश बुक में 1100 रुपये डेबिट साइड डाले, कैश बुक में 1100 डेबिट, कैश बुक का डेबिट मतलब कैश बुक बढ़ गया, हमारे हिसाब से कैश बुक में 1100 रुपये आ गए, आए या नहीं आए वो बात की बात है, हमने तो बस अभी कैश बुक और पासबुक को टैली करना है, बराबर करना है, कैश बुक बढ़ गया, हम कैश बुक के हिसाब से सोच रहे हैं, तो कैश बुक को बराबर करने के लिए करेंगे माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली माइनस 1100 फोर्थ चेक इशूड ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस नॉट येट प्रेजेंटेड 2500 मैंने कैश बुक में 2500 भेज दिए कि मेरे पैसे चले गए बट एक्चुअली गए नहीं देखिए कैश में 10 रुपया कैश बुक में 10 रुपया पासबुक में 10 रुपया कैश बुक में 10 रुपये पासबुक में 10 रुपये मैंने कैश बुक से 2 रुपये निकाल दिए तो कैश बुक बच गया 8 पासबुक बच गया 10 कैश बुक में 8 पासबुक में 10 क्या फर्क पड़ा कैश बुक कम हो गया पासबुक बढ़ गया चेक इशूड ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस नॉट येट प्रेजेंटेड मैंने 2500 रुपए का चेक दिया वो चेक मेरे हिसाब से पैसे बैंक से निकल गए क्योंकि मैंने तो चेक दे दिया पर वो बंदे ने अभी तक बैंक में पैसे निकाले नहीं कैश बुक कम हो गया कैश बुक कम हो गई है तो उसको बराबर करने के लिए बढ़ा देंगे प्लस चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड 2500 कैश बुक कम हो गया तो बढ़ा देंगे चेक इशू टू मैसर्स सरीन ब्रदर्स नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक सेम सरीन ब्रदर्स को 40-40 का चेक दिया सरीन ब्रदर्स को 40-40 का चेक दिया पर वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ मतलब प्रेजेंट ही नहीं हुआ मेरे बैंक में अभी तक पहुंचा ही नहीं चेक प्रेजेंट करने का मतलब होता है वो पर्सन ने मेरा चेक मेरे साइन चेक करने के लिए बैंक में भेज दिया कैश बुक कम हो गया कैश बुक कम हो गया तो बराबर करने के लिए प्लस कर देंगे मेरी जेब से 2 रुपये चले गए बराबर करने के लिए 2 रुपये ऐड कर देंगे नंबर 5 चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड कितने का चेक था वो 40-40 का नंबर 6 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक 2800 रुपये का बिल पे कर दिया मैंने कैश बुक में 2800 रिकॉर्ड कर दिए पासबुक में तो रिकॉर्ड हुए नहीं मतलब पासबुक रिमेन सेम पासबुक रिमेन इंटैक्ट कैश बुक से पैसे चले गए कैश बुक हो गया कम कैश बुक कम हो गया बराबर करने के लिए प्लस कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड रिकॉर्डेड ओनली इन कैश बुक मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ 2800 नंबर 7 डिविडेंड कलेक्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में 1200 डाल दिए पासबुक का क्रेडिट मतलब पैसे आए हैं पासबुक का डेबिट मतलब पैसे गए हैं पासबुक का क्रेडिट मतलब पैसे आए हैं पासबुक का डेबिट मतलब पैसे गए हैं डिविडेंड कलेक्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक बैंक वालों ने मेरे को 1200 रुपये दे दिए बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में 1200 रुपये डाल दिए
पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई मतलब कैश बुक कम हो गई। हमें कैश बुक के हिसाब से सोचना है क्योंकि हमने ऊपर कैश बुक रखा है, हमारा टॉपिक यही है आज का, व्हेन द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन। पासबुक बढ़ गई मतलब कैश बुक कम हो गई। सी, मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं मतलब आप मुझसे 10 साल छोटे हैं, एक ही बात है। अगर मैं आपसे 10 इयर्स बड़ा हूं या 15 इयर्स बड़ा हूं तो आप मुझसे 15 इयर्स छोटे हैं। मेरी एज में 15 ईयर माइनस कर दो या आपकी एज में 15 ईयर प्लस कर दो, सेम हो जाएगा। इफ आई एम 32 एंड यू आर 17, 15 साल का गैप आ गया। अपनी एज में 15 ऐड कर दो या मेरी एज से 15 माइनस कर दो, टैली हो जाएगा। 17 प्लस 15 इज 32 और 32 माइनस 15 इज 17। सो पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई तो कैश बुक कम हो गई, कैश बुक कम हो गई तो प्लस कर देंगे, प्लस डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक हाउ मच 1200। कैश बुक कम हो गई तो प्लस कर देंगे। एट्थ, बैंक चार्जेस, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 150 रुपए निकाल लिए, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 150 रुपए निकाल लिए मतलब पासबुक कम हो गई। पासबुक का कम होना मतलब कैश बुक का बढ़ना, पासबुक कम हो गई मतलब कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ गई तो कर देंगे माइनस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ये था 4 to 6 मार्कर क्वेश्चन, माइनस कर देंगे क्योंकि बैंक से पैसे गए हैं। अब इसको क्लोज कैसे करना है, जैसे हम लेजर अकाउंट करते हैं, जैसे हम कैश बुक क्लोज करते हैं, इन सब का प्लस कीजिए, इन सब को प्लस कीजिए और उनका डिफरेंस देखिए। यू नो हाउ टू क्लोज लेजर, यू नो हाउ टू क्लोज सब्सिडरी कैश बुक, बिल्कुल उसी तरीके से इसको क्लोज करेंगे। इन सब का टोटल करेंगे 4950 प्लस 2500 प्लस 4040 प्लस 2800 प्लस 1200 इस 15490। ये पॉजिटिव का टोटल आ गया, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता कुछ, ये आ गया पॉजिटिव का टोटल और नेगेटिव का टोटल आ रहा है 1560 प्लस 4630 प्लस 1100 प्लस 150 7440 डिफरेंस 8050। लिखेंगे शॉर्टर साइड पे होगा पॉजिटिव, जैसे लेजर में होता है लिखते डेबिट साइड है होता है क्रेडिट, डिफरेंस इज 8050। टोटल 15490 15490 और ये होगा बैलेंस एज पर पासबुक। 23 क्वेश्चन में आप चेक कीजिए, पासबुक का जो बैलेंस गिवन था वो यही होगा। इसका मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में है 4950 पर बैंक वालों के हिसाब से मेरे बैंक में है 8050। ये कैश बुक से वेरीफाई हो जाएगा, ये पासबुक से वेरीफाई हो जाएगा, मेरा अकाउंटेंट इस पर साइन कर देगा और अब सीए मेरी फाइनेंशियल बुक्स को मेंटेन कर लेगा। दिस इज योर BRS। शुरू किया था कैश बुक से, खत्म करेंगे पासबुक पे। बड़ा कौन सा था, पॉजिटिव, बड़ी अमाउंट थी पॉजिटिव तो इट इज बैलेंस, बड़ी अमाउंट होती नेगेटिव तो होता ओवरड्राफ्ट,
यू नो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, जब आप बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, बड़ी अमाउंट पॉजिटिव है तो बैलेंस, बड़ी अमाउंट नेगेटिव है तो ओवरड्राफ्ट। क्लियर एवरीवन? कुछ नोट्स लिखिए और हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, वी आर डन विद द कंसेप्ट। इसके बाद जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी प्रैक्टिस है। राइट डाउन द नोट्स। नोट नंबर वन, लिखिए नोट्स। नोट नंबर वन, वी मे स्टार्ट फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस एंड एंड अप टू पासबुक बैलेंस। हम कैशबुक बैलेंस से शुरू कर सकते हैं और पासबुक बैलेंस पे ख़त्म करते हैं, जैसे अभी किए, फुल स्टॉप। बट वाइस वर्सा भी हो सकता है, पासबुक से शुरू करो, कैशबुक पे ख़त्म करो, फुल स्टॉप। सिमिलरली वी मे स्टार्ट फ्रॉम द पासबुक बैलेंस and end up to cash book balance। कैश बुक से शुरू करके पासबुक पे पहुंचे या पासबुक से शुरू करके कैश बुक पे पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कैश बुक से शुरू किया तो आपने कैश बुक के हिसाब से सोचना है। कैश बुक बढ़ गया तो माइनस, कैश बुक कम हो गया तो प्लस। अगर पासबुक से शुरू किया तो पासबुक के हिसाब से सोचना है। पासबुक बढ़ गया तो माइनस, पासबुक कम हो गया तो प्लस। सो जहां से शुरू करेंगे वहीं से सोचना है, उसी के हिसाब से सोचना है। सारा कंसेप्ट प्लस माइनस का उसी हिसाब से जाएगा। वी मे स्टार्ट फ्रॉम कैश एंड अप टू पास, और वी मे स्टार्ट फ्रॉम पास एंड अप टू कैश। नोट नंबर टू, लास्ट में, अगर पॉजिटिव का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस है, नेगेटिव का टोटल ज्यादा है तो ओवरड्राफ्ट है। पॉजिटिव का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस, नेगेटिव का टोटल ज्यादा है तो ओवरड्राफ्ट। नोट नंबर टू, एट द क्लोजिंग इफ समेशन ऑफ पॉजिटिव आइटम्स is greater than summation of negative items, अगर positive बड़ा है negative छोटा है, then there is balance, otherwise there is ओवरड्राफ्ट। यू नो ओवरड्राफ्ट, बैंक से जब पैसे ज्यादा निकाले होते हैं, अगर पॉजिटिव बड़ा है तो बैलेंस है, नेगेटिव बड़ा है तो ओवरड्राफ्ट है। और बैलेंसिंग करने के लिए हमें छोटी वाली साइड पे लिखना होता है। क्लियर एवरीवन? और एक चीज जो मैं नोट में नहीं लिखा रहा हूं वैसे ही समझा रहा हूं, कैश बुक का डेबिट मतलब पैसा आना, कैशबुक का क्रेडिट मतलब पैसा जाना। कैशबुक का डेबिट मतलब पैसा आना, कैशबुक का क्रेडिट मतलब पैसा जाना। वाइस वर्सा, पासबुक का क्रेडिट मतलब पैसा आना, पासबुक का डेबिट मतलब पैसा जाना। तो नॉट इन टर्म ऑफ नोट, जस्ट आपको समझाने के लिए, कैशबुक डेबिट क्रेडिट। बच्चों के चैप्टर बड़ा टेक्निकल लगता है, बट आई ट्राई टू माई बेस्ट कि बच्चों को शॉर्टकट्स बताए। गॉट इट? कैश बुक का डेबिट मतलब पैसा आ गया, हैप्पी। कैश बुक का क्रेडिट मतलब पैसा चला गया, शिट।
Similarly, passbook. पासबुक का डेबिट मीन्स शिट, पैसे चले गए बैंक से, पैसे कट गए, मैसेज आ गया 100 रुपये गए, और क्रेडिट, अब इसका मतलब ये नहीं है 100 रुपये गए मैं सच में अपसेट हो जाता हूँ, इट जस्ट क्रेडिट मतलब पैसे आ गए, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट बाय 10,000, आपके बैंक में 10,000 आ गए हैं, मैसेज देके बड़ी खुशी होती है पैसे आ रहे बैंक में, मतलब योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10,000, आपके बैंक में क्रेडिट कर दिए गए हैं, सो आई विल बी हैप्पी फॉर दैट. Cool? I think I'm clear with this. This is all about BRS. Chapter नहीं खत्म हुआ, content complete हो गया है. अब हम question शुरू करने जा रहे हैं. Worksheet 8.1 आपके सामने है, आपके पास है. 23rd question पहले मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि मुझे question बनाना सिखाना था. Exam में ये question जैसे ये है, ये given होगा. आपको कैशबुक और पासबुक में टिक और क्रॉस नहीं डालने, जैसे हमने डाले थे, यू विल नॉट डू दैट. आपको वो टिक क्रॉस करने के बाद क्वेश्चन गिवन होगा, उससे वैल्यूज उठा के BRS बनाने. गॉट इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March 2018. Debit balance as per bank column of cash book. Cash book ka bank column ka debit balance given hai. Debit matlab happy. Balance given hai. Bank column ka hi given hoga. Cash column ka to given bhi nahi hoga. So make the format. Bank reconciliation statement as on 31st March 18, particulars positive, negative, amount in rupees. Number one, balance as per cash book 40,000. Cash book के हिसाब से सोचना है, mind में cash book रखनी है. Second, checks issued to creditors but not yet presented for to the bank for payment. 5,000 का चेक मैंने किसी को दिया पर वो बंदा अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा पैसे निकालने के लिए. सोचिए, 5,000 का चेक किसी को दिया पर वो पर्सन बैंक में नहीं पहुंचा पैसे निकालने के लिए. ये एंट्री रिकॉर्ड हुई है कैश बुक में. पैसे आए हैं या गए हैं? पैसे गए हैं. नंबर टू, कैश बुक कम हो गया तो प्लस करेंगे क्योंकि बैंक से पैसे चले गए हमारे हिसाब से, बट टेक्निकली बैंक से पैसे गए नहीं है क्योंकि वो पर्सन पहुंचे ही नहीं पैसे निकालने के लिए. चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड 5,000 प्लस में. थर्ड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में 13,000 डाल दिए, मुझे पता ही नहीं है. बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में 13,000 डाल दिए, मुझे पता ही नहीं है, मतलब पासबुक बढ़ गई. पासबुक बढ़ी है, हमें तो कैश बुक के हिसाब से सोचना है. पासबुक बढ़ गई तो कैश बुक कम हो गई. पासबुक इंक्रीज तो कैश बुक डिक्रीज. प्लस,
डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कैश बुक कम हुई है तो प्लस कर देंगे 13,000। बैंक में पैसे आ गए, पासबुक बढ़ गई, कंपैरेटिवली कैश बुक कम होगी, हम कैश बुक के हिसाब से सोच रहे हैं क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन है, एंड हेंस प्लस। नंबर 4, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, देखना पड़ेगा अलाउड है कि चार्ज्ड है। अलाउड मतलब दे दिया, चार्ज मतलब ले लिया, अलाउ मतलब पैसे दे दिए, चार्ज मतलब पैसे ले लिए। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक वालों ने ब्याज दे दिया। 4, बैंक वालों ने ब्याज दे दिया तो पैसे आ गए, पासबुक बढ़ गई मतलब कैश बुक कम हो गई, प्लस कैश बुक कम होगी बराबर करने के लिए प्लस। अलाउड है, चार्ज नहीं है, चार्ज मतलब पैसे ले लिए, अलाउ मतलब दे दिए। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 255, फिफ्थ, दिस इज योर वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है सिर्फ समझने के लिए। नंबर 5, चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 31 मार्च 2018, बैंक में चेक जमा करवाए बट बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक में चेक जमा कराए बट बैंक में पैसे नहीं आए, तो कैश बुक बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही आप मुझे चेक देंगे मैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूँगा ना, वो चेक मैं बैंक भेजूँगा, बैंक में टाइम लगेगा, टाइम डिफरेंस, कैश बुक बढ़ गई माइनस चेक्स डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड 9850 माइनस में। नंबर 6, बैंक चार्जेस, बैंक वालों ने खर्चा काट लिया, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, मतलब पासबुक कम हो गई, बैंक वालों ने पैसे काटे मतलब पासबुक कम हो गई, कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम हो गई कंपैरेटिवली कैश बुक बढ़ गई, क्योंकि कैश बुक बढ़ गई है तो हम करेंगे माइनस बैंक चार्जेस। अगर देर इज लैक ऑफ इंटीग्रेशन, लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, ये चैप्टर अभी मत करो बेटा, इसमें बहुत कंसेंट्रेशन की जरूरत होती है, बहुत इजी चैप्टर है, एंड यू बिलीव, मैं टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ, देर आर 2-3 टीचर्स इन स्कूल इटसेल्फ ये चैप्टर स्किप करवा देते हैं बिकॉज अपने टाइम में उन्होंने समझा ही नहीं ये चैप्टर। ये पूरा चैप्टर यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर है। बैंक चार्जेस माइनस 55, सेवेंथ, अ चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव, आपने मुझे चेक दिया मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, आपने मुझे चेक दिया मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मेरे हिसाब से बैंक में पैसे आ गए, चेक डिसऑनर हो गया मुझे अभी तक पता ही नहीं, नो इंटीमेशन रिसीव्ड, कैश बुक में पैसे आ गए पासबुक में पैसे नहीं आए, कैश बुक बढ़ गया, क्योंकि जब चेक डिसऑनर होता है तो पैसे कटते नहीं है, आपने मुझे चेक दिया मैंने कैश बुक में एंट्री डाल दी कि पैसे आ गए, चेक बैंक में भेजा चेक डिसऑनर हो गया बैंक में पैसे आए नहीं, कैश बुक इंक्रीज माइनस करेंगे, चेक डिसऑनर्ड 1000। एट, बैंक पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन आर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन, बैंक वालों ने मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी, बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 200 रुपये निकाले और इंश्योरेंस पे कर दी, क्या वो पे कर सकते हैं? नो, मैंने अथॉरिटी दी होगी उनको,
सो बैंक वालों ने इंश्योरेंस पे कर दी, व्हाट डज दैट मीन? पासबुक कम हो गई, बैंक से पैसे चले गए, मतलब कैश बुक बढ़ गई, माइनस। पासबुक कम हो गई, बैंक से पैसे चले गए, तो कैश बुक बढ़ गई, माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब कि ड्रॉइंग्स पेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, कितना? 200 माइनस में। नाउ यू नो हाउ टू क्लोज द बुक्स, हाउ टू फाइंड द पासबुक बैलेंस। डेबिट का टोटल, मतलब पॉजिटिव का टोटल, 40 + 5 + 13 + 255, 58,255, 40,000, 5,000, 13,255, right? नेगेटिव का टोटल 11,105, डिफरेंस 47,150। बड़ी वैल्यू कौन सी है? प्लस के माइनस? प्लस, पॉजिटिव बढ़ा है तो इट्स अ बैलेंस। अगर नेगेटिव बढ़ा होता तो इट इज ओवरड्राफ्ट, पॉजिटिव बढ़ा है तो बैलेंस, नेगेटिव बढ़ा है तो ओवरड्राफ्ट। सो द आंसर इज 47,150, लिखेंगे छोटी साइड पर ताकि इक्वल कर दिया जाए। आ रहा है बैलेंस, शुरू किया था कैशबुक से, खत्म करेंगे पासबुक पे, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, और मेरी पासबुक में ये बैलेंस शो होगा, और उन दोनों को टैली करके मेरा अकाउंटेंट साइन करके आगे फाइनेंशियल बुक्स को मेंटेन कर लिया जाएगा, पासबुक से ये बैलेंस वेरीफाई हो जाएगा। गिविंग यू 1-2 मिनट्स, प्लीज वाइंड इट अप, कंप्लीट कीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। प्लीज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। Speed up students, 30 more seconds. Okay, let's start with question number 2. Prepare bank reconciliation statement. 6 points are there from the following. Bank reconciliation statement as on 30 September 2018, 30 September को बना रहे हैं, particulars positive negative, अमाउंट इन रुपीज, एंड यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना लेंगे, जो इंक्रीज डिक्रीज देखना होता है क्या हो रहा है जी, देखते हैं। नंबर 1, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। नंबर 1, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मीन्स बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, फिर मुझे ये 5 आइटम्स मिलती हैं जो या एंट्रीज कैश बुक में है या पासबुक में है, दोनों में नहीं है,
और उससे हम शुरू करते हैं BRS. नंबर टू, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. 2200, मैंने 2200 का चेक दिया पर वो बंदा बैंक में अभी तक पहुंचा नहीं. 2200 का चेक दिया, बैंक से पैसे नहीं गए, मेरे हिसाब से चले गए पर प्रैक्टिकली नहीं गए. कैश बुक कम हो गई, ये देखिए कैश बुक कम हो जाएगी. प्लस चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड. अनप्रेजेंटेड मतलब वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है बैंक में. 2200. थर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, व्हाट डज दैट मीन? आपने मुझे चेक दिया, मैंने चेक बैंक में जमा करवाया, बैंक में पैसे नहीं आए, कैश बुक बढ़ गई. पासबुक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक में तो पैसे आए ही नहीं, बैंक को तो मैसेज भी नहीं आया. मेरे हिसाब से कैश बुक में पैसे आ गए, कैश बुक इंक्रीज कर गई. माइनस चेक डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड, माइनस 4600. फोर्थ, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. बैंक वालों ने ब्याज दे दिया. अलाओ, अलाओ मतलब देना, लेना नहीं. बैंक वालों ने ब्याज दे दिया. फोर्थ, पासबुक बढ़ गई. बैंक वालों ने ब्याज दिया मतलब बैंक में पैसे आ गए, बैंक में पैसे आ गए मतलब पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई मतलब कैश बुक कम हो गई. हमें कैश बुक के हिसाब से सोचने, वी हैव टू थिंक बाय कैश बुक. कैश बुक कम हो गई, माइनस सॉरी प्लस, कैश बुक कम हो गई, बराबर करने के लिए प्लस कर देंगे. आपकी एज मेरे से कम है, डिफरेंस अपने में ऐड करो, बराबर हो जाएगा. प्लस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200. फिफ्थ, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक. बैंक वालों ने खर्चा डाल दिया, SMS चार्जेस डाल दिए, उसके ऊपर GST डाल दी, 40 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए. हमें एंट्री नहीं पता, बैंक वालों ने एंट्री डाल दी, हमें पता नहीं, बैंक वालों ने पैसे काट लिए. पासबुक कम तो कैश बुक ज़्यादा, माइनस बैंक चार्जेस. फोर्टी, सिक्स्थ, अ चेक ऑफ 400 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन. द चेक वॉज डिसऑनर्ड एंड दिस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. 400 का चेक मुझे रिसीव हुआ, 400 का चेक मुझे रिसीव हुआ, मैंने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया पर बैंक में पैसे नहीं आए क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया था. कैश बुक बढ़ गई, पासबुक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक में थोड़ा पैसे आए हैं. पासबुक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक में पैसे नहीं आए, सिर्फ कैश बुक इंक्रीज की है. माइनस चेक डिसऑनर्ड 400. ऑल द एंट्रीज आर डन, सभी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं. नाउ वील डू द टोटल, टोटल ऑफ पॉजिटिव साइड. पॉजिटिव साइड का टोटल आ रहा है 12,400 और नेगेटिव साइड का टोटल आ रहा है 5,040. 10 प्लस 22 प्लस 2, यस 46 प्लस 40 प्लस 4,
परफेक्ट, डिफरेंस इज 7360। नेगेटिव साइड लिखेंगे बट पॉजिटिव बड़ी है, सो इट इज बैलेंस। पॉजिटिव बड़ा है तो बैलेंस, सो इट इज बैलेंस एज पर, शुरू किया था कैश बुक पे, खत्म करेंगे पासबुक पे। बैलेंस एज पर पासबुक 7360, और ये बैलेंस मेरी बैंक की स्टेटमेंट से मैच करेगा 7360। इट विल बी मैच्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। 30 सितंबर को BRS डन। कूल, अभी हम कर रहे हैं जब कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है। कैश बुक का बैलेंस अभी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीन क्वेश्चंस और हैं जिसमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है। विल बी डूइंग 3 क्वेश्चंस टुमारो इन लेक्चर नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।